पुरुषोत्तम मास भजन कीर्तन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है। इस महीने में किया गया जप तप अत्यंत फलदायी होता है, इसलिए इस महीने को हमें कैसे बिताना चाहिए, आइए समझते हैं अपने पूजनीय बापूजी से। ज्योतिष के अनुसार दिन काटते कूटते जो दिन बचे 10-10-10 था हर साल में, 3 साल में 30 दिन बच गया 29 दिन, वो बोले उसको मल मास बोलने लगे। भगवान को प्रार्थना किया और भगवान ने बोला जा मल नहीं तो पुरुषोत्तम मास। भगवान ने कहा कि इस महीने में जो जप ध्यान करेंगे, इस मास में जो सत्संग ध्यान पुण्य आदि करेंगे उन्हें विशेष फायदा होगा। असंगो अयम पुरुषः, अंतर्यामी आत्मा के लिए जो भी करेंगे तेरे मास में वो विशेष फलदायी माने, तब नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास, मल मास का नाम पुरुषोत्तम मास। इस मास में किया हुआ जप तप ये तो यहाँ तक लिखा है कि धरती पर शयन और पत्तल की भोजन पत्तल पर भोजन करे और ब्रह्मचर्य व्रत पाले तो उसकी पापनाशिनी ऊर्जा बढ़ती है और व्यक्तित्व में निखार आता है। इसको पुरुषोत्तम मास को तो कई वरदान प्राप्त हैं और शुभ कर्म करने में इसकी महिमा अपरंपार है। इस मास में शादी विवाह अथवा सकाम कर्म करना वर्जित है और निष्काम कर्म कई गुना विशेष फल देते हैं। बापूजी अक्सर कहते हैं कि इस माह में हमें ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए, इसीलिए बापूजी एक विशेष तरह के उपटन से स्नान करने की सलाह भी देते हैं। अधिक मास में आंवला और तिल के उपटन से स्नान करने वाले को पुण्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है, तो आंवले के पेड़ का पीपल के पेड़ का स्पर्श करने से स्नान करने का पुण्य होता है और स्नान करके बाद में स्पर्श करने से दुगुना पुण्य होता है। तो पीपल और आंवला सात्विकता के धनी है, उसके नीचे भोजन करने से स्वास्थ्य लाभ प्रसन्नता। पुरुषोत्तम मास, इस मास को आरोग्य का दाता भी माना गया है और पुण्य दाता भी माना गया, क्योंकि इस अधिक मास में भगवान ने अपना नाम इसको दे दिया। आज शास्त्र में ये बात आई कि 10,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह इस पुरुषोत्तम मास में प्रभात कालीन स्नान करने से पुण्य हो जाता है। और सिंह राशि में सूर्य हो तब सिंहस्थ होता है उज्जैन में, उस उज्जैन सिंह राशि 12 वर्ष में सिंहस्थ आता है, उससे जो पुण्य होता है वही पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल स्नान करने से होता है।